तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने देश भर के सभी टोल प्लाजा को फ्री कराने की धमकी दी और ऐलान किया कि 12 तारीख को किसी भी टोल प्लाजा पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल जो आपके जहन में होगा कि टोल प्लाजा फ्री कराने से सरकार को क्या नुकसान पहुंचेगा, वो जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। किसान नाराज हैं, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने देश भर के सभी टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान कर दिया, यानी कि टोल प्लाजा पर कोई भी टैक्स ना वसूला जाए। ऐसा करने से सरकार को क्या नुकसान हुआ, आइए जानते हैं। लेकिन पहले ये समझिए कि टोल टैक्स क्यों लिया जाता है। दरअसल हमारे देश में गाड़ी खरीदने से लेकर उसे चलाने तक हर काम के लिए टैक्स देना पड़ता है। उसमें पेट्रोल डीजल भी भरवाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। गाड़ी रखने पर खासतौर से तीन तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, पहला रोड सेस, दूसरा रोड टैक्स और तीसरा टोल टैक्स। रोड टैक्स गाड़ी खरीदते समय ही देना होता है, रोड सेस पेट्रोल या डीजल भरवाते समय हर बार देते हैं और टोल टैक्स हाईवे से गुजरते वक्त देना होता है। टोल टैक्स हर सड़क पर नहीं लगता, कुछ सड़कें ऐसी हैं जिन्हें चौड़ा कर बनाया जाता है, ऐसी सड़कों पर टोल टैक्स लगता है। टोल टैक्स तय नहीं होता, ये हर जगह अलग अलग लगता है। टोल टैक्स सड़क की लंबाई चौड़ाई पर निर्भर होता है, जितनी ज्यादा लंबी चौड़ी सड़क उतना ज्यादा टोल टैक्स। कुछ जगहों को छोड़कर ज्यादातर टोल प्लाजा पर टू व्हीलर पर टोल टैक्स नहीं लगता। NHAI के मुताबिक मार्च 2020 तक देश भर में 566 टोल प्लाजा थे। देश भर में हाईवे की लंबाई 29,666 किलोमीटर थी। लंबाई पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ी। 2019-20 यानी कि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक हाईवे पर बने टोल प्लाजा से NHAI ने 26,851 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूला, यानी हर महीने करीब 2,238 करोड़ रुपए और हर दिन करीब 73.5 करोड़ रुपए। 2019-20 में NHAI ने हर एक किलोमीटर पर 90.5 लाख रुपए का टैक्स लिया। 2018-19 में 24,997 किलोमीटर पर 24,396 करोड़ रुपए का टैक्स मिला था। इस पैसे का इस्तेमाल हाईवे की मरम्मत और उसके रखरखाव के लिए होता है। जितनी बड़ी गाड़ी होती है उतना ज्यादा टैक्स लिया जाता है। लोकसभा में टोल टैक्स के कलेक्शन को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2019-20 में सरकार को टोल टैक्स के जरिए 7,321 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ये आंकड़े 29 फरवरी तक के हैं। सरकार को 2017 में 8,631 करोड़ रुपए और 2018 में 9,188 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। टोल टैक्स के जरिए सरकार की कमाई पिछले 7 साल में 38% बढ़ गई है। 2013-14 में सरकार को इससे 5,294 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। क्यों नहीं मिलता सरकार को पूरा रेवेन्यू? दरअसल सरकार को इस टोल टैक्स का पूरा रेवेन्यू नहीं मिलता। ज्यादातर हाईवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर बन रहे हैं, यानी हाईवे पर सरकार का और प्राइवेट संस्था का पैसा लगा होता है। अब जब हाईवे बनकर तैयार हो जाता है तो उसकी मरम्मत और उसकी लागत निकालने के लिए टोल टैक्स लिया जाता है। टैक्स का कुछ हिस्सा सरकार के पास आता है तो कुछ हाईवे बनाने वाली कंपनी के पास जाता है, यानी पूरा रेवेन्यू सरकार के पास नहीं जाता। अब तक बिना टोल टैक्स के कितनी बार हो चुका है नुकसान? इससे पहले सितंबर में जब तीनों कृषि कानून बने तो किसानों ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से 50 दिनों में टोल प्लाजा से मिलने वाले रेवेन्यू में 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं लॉकडाउन के दौरान जब 25 मार्च से 20 अप्रैल तक टोल फ्री था, तब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1822 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस का आकलन हुआ है। किसानों ने टोल टैक्स नहीं देने का ऐलान किया है, यानी कि जितने भी हाईवे पर टोल हैं वो फ्री होंगे। ऐसा करने से सरकार को अच्छा खासा नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही साथ किसानों की रणनीति सरकार पर आर्थिक दबाव बनाने की भी रही। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।